देपालपुर और विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 5 से विधायक रह चुके सत्यनारायण पटेल एक बार फिर 5 नंबर क्षेत्र से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव मैदान में है। 5 नंबर क्षेत्र से पिछले 20 वर्षों से भाजपा के महेंद्र हाडिया विधायक है। 2018 के चुनाव के दौरान भी सत्यनारायण पटेल और महेंद्र हाडिया के बीच मुकाबला हुआ था। हमारे संवाददाता प्रवीण सावंत ने सत्यनारायण पटेल से अपने चुनाव अभियान को लेकर विशेष चर्चा की। नामांकन की प्रक्रिया के बाद प्रत्याशियों का जनसंपर्क प्रारंभ हो गया है। इस समय हम क्षेत्र क्रमांक 5 में खड़े हैं, जहां कांग्रेस के प्रत्याशी सत्यनारायण पटेल जनसंपर्क के लिए निकले हैं। भगवान का दर्शन करने के बाद जो है वो जनसंपर्क प्रारंभ किया है। भैया, किस तरह का प्रतिसाद मिल रहा है आपको? जनसंपर्क आपने नामांकन के पहले भी प्रारंभ कर दिया था। पूरे विधानसभा में जहाँ जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ पर लोगों का समर्थन है, युवाओं का, माता और बहनों, बुजुर्गों का। सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई है और हर जगह ड्रेनेज का पानी जा रहा है, ड्रेनेज का पानी पीने को मिल रहा है, लोग परेशान हैं, कई जगह पानी नहीं पहुंच पा रहा है। और दूसरी अगर बात करें तो बेरोजगारी और भ्रष्टाचारी बहुत बड़ा मुद्दा है। बेरोजगारी के लिए लोगों को किसी प्रकार की जो नौकरियाँ थी वो समाप्त हुई है, और ख़ास तौर से सरकार ने कहा था कि हमारे तमाम हम नौकरी देंगे, लाखों नौकरी देंगे साल की, तो जो पुरानी भर्ती वो नहीं भर पाए तो नई की बात तो कर रहे हैं, तो लोगों को बेरोजगारी और बढ़ती जा रही। इन सब मुद्दों को लेकर जनता की अदालत में सामने बात सारी आ रही। इस क्षेत्र से जो विधायक हैं वो लंबे समय से, वर्षों से, 15 से 20 वर्ष हो गए, क्या जब आप जाते हैं तो इस तरह का मिलता है कि फीडबैक की काम हुआ नहीं हुआ, कि क्या फीडबैक? हर आदमी यही तो कह रहा है कि हमारी अवैध बस्ती थी वैध नहीं हुई, हमारी अवैध कॉलोनी थी वैध नहीं हुई, हमारे यहाँ ड्रेनेज की समस्या 20 साल में दूर नहीं हुई, हमारे यहाँ बेरोजगारी दूर नहीं हुई, हमारे यहाँ महंगाई हो रही। इन सब मुद्दों को लेकर आम जन सामने आ रही, हमारे यहाँ गली में पानी नहीं आ रहा, हमारे को ये काम नहीं हुआ, हमारा वो काम नहीं हुआ, सारी बात सामने आ रही। सत्यनारायण जी, पिताजी जो है वो लंबे समय तक जनता की सेवा के बीच रहे, आपको कब लगा कि जनता की सेवा के लिए मैदान में उतरना चाहिए, क्योंकि विरासत में मिली है आपको? पिताजी जब थे तो जब उनको मैं देखता था रात दिन लोगों की समस्या के लिए जूझना में पड़ता था, उसके बाद से जैसे ही पढ़ाई ख़त्म हुई तो मैं भी उनके साथ सहयोगी के रूप में आगे आ गया। निश्चित ही हर छोटे बड़े आदमी को एक माध्यम है राजनीति, जिससे आम आदमी की मदद करने का एक माध्यम बनता है। लंबे समय का संघर्ष भी रहा है आपका, जिला पंचायत से लेकर अब जो है वो विधायक तक का सफ़र आपने पूरा किया है, कैसा रहा आपका राजनीतिक सफ़र? देखो, राजनीतिक सफ़र सबने मिलकर, हमारे कांग्रेस परिवार के लोग, आम जन, समाज सेवी, सभी लोगों ने मुझे भरपूर सहयोग और समर्थन दिया, जिससे मैं विधायक भी रहा, जिला पंचायत अध्यक्ष भी रहा, प्रजातंत्र की सबसे पहली कड़ी पंच वो भी रहा, और आज तक लोगों का सद्भाव रहा, तो उससे लेकर हमने मिलजुल कर बहुत से काम किए हैं। बहुत से काम अधूरे इसलिए हैं कि विपक्ष था, विपक्ष ने आंदोलन ही एक माध्यम होता वो भी हमने किए, लेकिन जो अधूरे हैं उसको आने वाले समय में हम पूरा करेंगे। आप इस क्षेत्र से विधायक भी रहे हैं पहले, आप इस क्षेत्र को भली भांति जानते भी हैं, किस तरह की ऐसी समस्या है जिनका निदान बहुत जल्द किया जाने की आवश्यकता है? देखो, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, और यहाँ पर स्वास्थ्य शिक्षा की बहुत बड़ी कई जगह कमी है। जैसे कि हम मुसाखेड़ी क्षेत्र में स्लम एरिया है, वो मध्यम श्रेणी के लोग, तो इसमें यहाँ पर मैं आरोप के रूप में नहीं कह रहा हूँ, मेरे को लोगों ने बताया वो कह रहा हूँ कि यहाँ पे कहीं एक स्वास्थ्य मंत्री जी, तत्कालीन हमारे महेंद्र हाडिया जी थे, उन्होंने एक भूमि पूजन किया था हॉस्पिटल का, वो ज़मीन पर भूमि पूजन हुआ, ना हॉस्पिटल बना, वहाँ पर शायद कब्जा हो गया, ऐसा लोगों का कहना है, तो ये एक दुर्भाग्य है। खजराना में भी ऐसा ही है, खजराना में भी एक ज़मीन के लिए भूमि पूजन हुआ, अस्पताल वहाँ बनना था लेकिन आज तक अस्पताल नहीं बना। वही सरकार ने वही तो बनकर रोका है, रोक दिया। तो ये मध्यम श्रेणी और गरीब बस्तियों में स्वास्थ्य की, शिक्षा की, 20 साल में एक भी यहाँ पर उच्च शिक्षा का कॉलेज नहीं खुला, ये कितना बड़ा तो इस क्षेत्र में पूरे में ज़रूरत है, जो कि ऐसे कई माने शिक्षा है, स्वास्थ्य है, रोज़गार है, लोगों के हाकर जोन है, ऐसे तमाम बात है, और भी छोटे छोटे कई मुद्दे हैं। सत्यनारायण जी, पिछला चुनाव जो है वो बहुत कम मतों से आप जो है हारे थे, जनता में आपके प्रति विश्वास, प्रेम क्या उसी तरह का बना हुआ पिछली बार? निश्चित ही, मुझे बहुत कम समय में वो चुनाव में नहीं लड़ा था,
वो चुनाव यहाँ की जनता, यहाँ के कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता लड़े थे। बहुत कम समय में आधी जगह नहीं पहुँच पाए। अब हम कोशिश कर रहे हैं कि सब दूर पहुँच जाए और पिछले 5 साल में लोगों से सतत संपर्क में रहा। वो मात्र 15 और 12 दिन का चुनाव था। इसके बाद लोगों ने मत पेटी में तो जिता दिया था, मात्र डाक मतपत्र में हम 1110.5 वोट से हारे थे। इस बार जनता से क्या वादे करेंगे आप, क्योंकि चुनाव मैदान में है, जनता वादों पर ही जो है कहीं ना कहीं वोट करती है। इस बार क्या है आपके इस क्षेत्र के विकास के लिए? इस क्षेत्र के विकास के लिए यहाँ पर जब हम MLA थे और हमारी सरकार थी तो हमने यहाँ 5,000-4,000 पट्टे आसपास दिए हैं। मैंने रजिस्ट्री का अधिकार भी दिया, उनको लोन मिले बैंक से वो भी दिया। और जब से भारतीय जनता पार्टी की 20 साल से सरकार है, 20 साल से ऐसे विधायक जी, मेरे ख्याल है उन्होंने 20 पट्टे दिए होंगे, 20 रजिस्ट्री का अधिकार नहीं होंगे। हमने बस्ती बसाने का काम किया, उस तक बस्ती उजाड़ने का काम किया। हमने अवैध बस्ती को वैध करने का काम किया, उन्होंने आज अवैध बस्ती को वैध नहीं किया। हमने अवैध कॉलोनी को वैध करने का काम किया, उन्होंने आज तक अवैध कॉलोनी को वैध नहीं किया। तो ऐसे तमाम मुद्दे हैं जो हमने किया है और जो 20 साल में जो नहीं हो पाया वो हम 20 महीने में कर दिखाएंगे, ये प्रयास होगा हमारा। बिल्कुल, जिस तरह का वादा और दावा सत्यनारायण पटेल कर रहे हैं वो देखना होगा कि अब जो है वो मतदाता कितना उनका सहयोग करते हैं। मेरे सहयोगी लोकेश कश्यप के साथ प्रवीण सावंत, DG आना न्यूज़, इंदौर।